हेलो एवरीवन, वेलकम टू द देव एकेडमी चैनल। यह है पीसीएस 2019 की आंसर की। इसमें पूरा 150 क्वेश्चन को बताया गया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है वेजिटेशन टाइप और रीजन। इसमें दिया हुआ है पहला ऑप्शन क्वेश्चन ए का, ए दिया हुआ है मैक्विस। मैक्विस जो वेजिटेशन टाइप है ये पाई जाती है मेडिटेरेनियन सी में, ठीक है। तो ए का दूसरा आप किसी में नहीं पा सकते, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं। एक कंट्री का कैपिटल दिया है, तो आप देखिए किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, बी का तीसरा सॉरी किर्गिस्तान की राजधानी जो है यानी सी का तीसरा आप देखें किसी ने दिया है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, नेचुरल वेजिटेशन दिया हुआ, रीजन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देखेंगे जो है सेडर्स यानी देवदार जो है वेजिटेशन पाई जाती है मेडिटेरेनियन सी में, और इस अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर चौथा का जो ऑप्शन होगा किर्गिज सूडान, ये मैच नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पाँच में असरसन में है दिया हुआ है इंडियन ओशियन हैज बिकम द मिलिट्री बेस ऑफ मेनी बिग पावर्स, ये सही है। देर इज ए स्ट्रॉन्ग जियो पोलिटिकल बेनिफिट्स इन इंडियन ओशियन एंड एडजेसेंट कंट्री, ये भी सही है। तो बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, पूछा गया है कि सेंट्रल इंडिया की जो है वेस्ट टू ईस्ट जो हिल्स को आपको मैपिंग करनी है, तो दैट इज सतपुरा, महादेव, मैकाल एंड छोटा नागपुर, ऑप्शन बी सही होगा। सातवां दिया हुआ है द हाईएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ सिस्मिक जोन्स लाइज इन द हिमालय रीजन, बिकॉज द हिमालय रीजन इज द मोस्ट अनस्टेबल रिगार्डिंग टू द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो रीजन आर मिल का देर आर मेनी लॉन्ग टर्म थ्रस्ट जोन्स इन हिमालयाज, बिल्कुल सही है, बहुत सारे लॉन्ग टर्म थ्रस्ट पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर एट दिया हुआ, इम्फाल बेसिन जो है किस टाइप का प्लेट है, प्लेन किस टाइप का प्लेन का एग्जांपल है, तो इम्फाल बेसिन सराउंडेड बाय द मणिपुर हिल्स इज ए फाइन एग्जांपल ऑफ, तो इसका हो जाएगा लैक्यूस्ट्राइन प्लेन। नाउ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज ए फेमस फॉर द फॉल्ट वैली ड्रेनेज, इसका हो जाएगा दामोदर, जैसे नर्मदा, तापी, दामोदर, ये सब अपने फॉल्ट वैली में बहती हैं। दसवां है क्वेश्चन कि लैंड ऑफ बिग गेम्स किसको जाया जाता है, तो ट्रॉपिकल सवाना रीजन को लैंड ऑफ बिग गेम्स कहा जाता है। ग्यारहवां क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू हिमालय रेंज के बारे में है, तो इसका ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग तो दो और तीन सही होना चाहिए, बट यहाँ लिखा गया है कि जो ग्रेटर हिमालय है उसमें फॉसिल्स बिल्कुल नहीं पाया जाता, कुछ मात्रा में पाया जाता है, तो ऐसे 1, 2, 3 भी सही हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली 2 और 3 सही होना चाहिए। 11th का 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखिए क्या है कि अकबर लाइक शेर शाह ट्राई टू रेगुलेट द करेंसी ऑफ द स्टेट, सही बात है, ठीक है। एज इन शेरशाह करेंसी द चीफ कॉपर कॉइन ऑफ अकबर्स टाइम वाज दाम, तो इसका बोथ ए एंड आर ट्रू है, बट जो आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है, तो इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का देख लीजिए कि बैटल ऑफ सरनाल है 1572 में हुआ है, बैटल ऑफ बिलग्राम 1540 में, बैटल ऑफ धर्मा 1658 में हुआ है, बैटल ऑफ जजाऊ यानी 1707 में हुआ है, तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 14 विद रेफरेंस टू हठ योगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो इसका बोथ 1 और 2 सही होगा। इसमें पूछा है एकता सिस्टम के अकॉर्डिंग कौन सा सही नहीं है, तो रेवेन्यू फ्रॉम एकता वाज डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द सुल्तान से अकाउंट में नहीं जाता था डायरेक्टली, ठीक है। 16वां है बुक्स और रिटर्न दिया है, तो तुगलकनामा इब्न बतूता करेक्टली रिमाइज नहीं है। अगला है नेटिव मैरिज एक्ट 1872 सही है इसका, ठीक। अब इसका देखेंगे कि संथाल विद्रोह अगर आपको ये याद होगा 1855 में, तो सी से पहला अगर मैच करेंगे तो ऑप्शन बी सही होगा। 19 है देखिए कि इवेंट दिया हुआ ईयर, तो द कम अवार्ड 1933 में नहीं हुआ था, ये करेंटली मैच नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। तो इसमें डेथ ऑफ फिरोज शाह मेहता को जो है आप सबसे पहले लगा देंगे, ठीक है, डेथ ऑफ फिरोज शाह मेहता को लगा देंगे सबसे पहले, क्योंकि आप देखेंगे कि 1505 यानी कि 20 का आपका देखेंगे 20 का हाँ नहीं 20 का अगर आप देखेंगे तो फिरोज शाह मेहता की जो मृत्यु है 1915 हो गया, तो 1915 पहले महात्मा गांधी की जो दांडी मार्च है 1930 हो गया, जलियांवाला बाग 1919 हो गया, साइमन कमीशन के जो अपॉइंटमेंट है यानी नियुक्ति है 1927 हो गया, तो ऐसे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। द ट्रायल ऑफ ऑफिसर ऑफ द एन ए वॉज हेल्ड इन रेड फोर्ट डेली, ठीक है, इसको रेड फोर्ट ट्रायल भी कहा जाता था, ठीक है। 22वां है एसएससी सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज एस्टेब्लिश इन द पीरियड ऑफ वॉरेन हेस्टिंग, ये तो सही है। एंड द मोस्टली डिक्लाइंड द ऑफर ऑफ द प्रेसिडेंट
presidentship of that learned body in favor of Sir William Jones. Warren Hastings was himself a great scholar and ardent orientalist who used to encourage the study of Sanskrit, Persian and Arabic. ये भी सही है, इसलिए both A are true and R is the correct explanation of A. इसमें देखेंगे हाउ मेनी आइटम्स आर देर इन द 11th शेड्यूल, 29 हो जाएगा इसका आंसर सही है. रिपीटेड बार बार 30 क्वेश्चन दिया गया है. विथ रेफरेंस टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस यानी PMO, PMO जो है एक्सिस्टेंस में आया था 1977 में, ठीक है, इसका ओनली वन सही होगा. ठीक है, त्रिपुरा, इसका आंसर त्रिपुरा है क्योंकि आप कह रहे हैं कि 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, कौन है तो त्रिपुरा है आपका. 31, 32 का कौन सा नॉट मैच्ड है तो प्रोहिबिशन टू बी सर्टिफाइड की जो है आपका करेक्टली नॉट मैच्ड है. 33 का है कि ये जो मनी बिल होता है निधन विधेयक, दैट इज आर्टिकल 110 के अंतर्गत आता है. 34 क्वेश्चन है क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन जो अभी इनॉग्रेट किया है पीएम मोदी ने सितंबर 2019 में, ये मोतिहारी एंड अमेलखंज तक है, ठीक है, बिहार से लेके जो है आपका पटना नेपाल में, मोतिहारी टू अमेलखंज, ठीक है. अगला क्वेश्चन है कि जो यूनेस्को में जयपुर जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नाम दर्ज हुआ था, जो 43rd सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, अजरबैजान में, बाकू में हुआ था, ठीक है, तो इसका आंसर जो है ए होगा. और 36 क्वेश्चन है कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF है वो हैं कृष्णा जॉर्जिवा, ठीक है. 37 है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक जो है टैलेंटेड चिल्ड्रन के लिए जो है एक गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च की थी टू इंक्रेज द टैलेंटेड चिल्ड्रन, ठीक है, उसका स्कीम का नाम है ध्रुव. 38 क्वेश्चन है कि दिया हुआ कि थॉमस कुक, ग्रेटा थनबर्ग, डॉक्टर उषा किरण, कैरी लैम, इसका ऑप्शन होगा कि जो थॉमस कुक है द ब्रिटिश टूर एंड ट्रेवल कंपनी है, तो ए का चौथा है आपका ऑप्शन, यानी कि इसका होगा ऑप्शन डी, ठीक है. 39 में आप देखिए कि जो 2019 का नोबेल प्राइज है वो किसको मिला था फीमेल को, वो भी इकोनॉमिक्स के फील्ड में, तो एस्टर डफलो इस बार की है लेकिन पहला मिला था जिसका नाम है, उनका नाम है एस्ट्रोम, ठीक है. 40 है रूरल सैनिटेशन जो स्ट्रेटजी है वो 2019 से जो है 29 इसका जो है पीरियड है, ठीक है. 41 सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, तो यह है मैसूर है, ठीक है. लैंड डिग्रेडेशन जो न्यूट्रलिटी है इसका जो एम है 2030 तक है, और ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है. जो इसरो है जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो इसरो ने चंद्रयान 2 को भेजा था, ठीक है, उसका नाम था GSLV मार्क 3 M1. 44 क्वेश्चन है कि हुज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज लार्जेस्ट, ठीक है, चरखा इज आर टू, इट वॉज इनोग्रेटेड इन नोएडा, सही बात है, इट इज़ मेड ऑफ द यूज प्लास्टिक वेस्ट के लिए जो है उससे बनाया गया है, ठीक है, तो ये सही है बोथ 1 and 2. हुज द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज वाइट ब्लड, तो कॉकरोच, ठीक है, इसका 46 का होगा पल्सेस होगा क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन के बैक्टीरिया के लिए जो है पल्सेस जो है काम करती हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है. 47 व्हाट हैपेंस व्हेन सम चार्ज इज प्लेस्ड इन द सो बबल, इट्स रेडियस इंक्रीजेज. 48 होगा करा हुच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो रेयान जो है इज नॉट अ मॉडिफाइड स्टार्च. 49 हुच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अ प्रोटीन, तो कॉटन हैज नॉट प्रोटीन, हेयर में आप देखेंगे तो पाया जाता है प्रोटीन, एंड ठीक है स्पाइडर मिल्क हो गया, हुफ हो गया, हुफ यानी खुर, इसमें भी पाया जाता है, सब में पाया जाता है, ठीक है. 50 का है आंसर जो है देखिए सी है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट है क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कन्वेक्शन और रेडिएशन ही होगा, ठीक है, यानी संवहन और वो क्या बोलते हैं रेडिएशन की हिंदी को आप जो भी हिंदी होगी इसकी, तो लिक्विड रिमेंस नॉट कोल्ड. अब देखिए हीट का ट्रांसफर 3 मोड से होता है मेनली कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन. तो अभी पूछ रहा है जो थर्मल फ्लास्क में आप कोई चीज़ गर्म या ठंडी चीज़ रख देते हैं तो उसका टेम्परेचर जो है उसी पे मेंटेन रहता है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है. तो ये जो है इसमें कंडक्शन और कन्वेक्शन रेडिएशन 3 होगा क्योंकि कहीं ना कहीं हीट ट्रांसफर कंडक्शन से भी होती है क्योंकि मेनली तो कंडक्शन का जो हीट ट्रांसफर है वो सॉलिड टू सॉलिड होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी जो थर्मस के अंदर रखा गया है उसके बाद उसकी मेटल है, उसके बाद जो इंसुलेशन किया गया है किसी एक पर्टिकुलर प्लास्टिक की,
तो हीट का ट्रांसफ़र होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि अब थर्मस में गर्म चीज़ रख दिए तो सदियों के लिए गर्म ही रहेगा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हीट का ट्रांसफ़र हुआ है। तो इसका मेरे अकॉर्डिंग जो है द परफेक्ट आंसर विल बी द बोथ ए एंड बी, ठीक है। और रेडिएशन तो ऑलवेज होगा, कन्वेक्शन ऑलवेज होगा, ठीक है। 51 इसमें पूछा गया है कि कौन सी ह्यूमन बॉडी की जो है जो ग्लैंड है वो इंडोक्राइन और एक्सट्रोक्राइन ग्लैंड दोनों होती है, तो इसकी है पैनक्रियाज। 52 है पूछ रहा है कि कौन से मटेरियल में कैल्शियम होता है, तो आप जिप्सम का फार्मूला को देखेंगे तो कैल्शियम CaSO4 × 2½H2O, तो CaSO4 यानी कैल्शियम, कैल्शियम इसके फार्मूले में खुद आता है, तो जिप्सम इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और टैक को देखेंगे तो टैक में आता है वो मैग्नीशियम होता है, सिलिकॉन और ऑक्साइड ऑक्सीजन इसका कंपाउंड होता है, तो उसमें सिलिकॉन तो है नहीं, तो जिप्सम इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 का देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं यूज किया जाता है, ठीक है। तुलसी प्लांट्स है जो मेडिसिनल वैल्यूज होती है इसकी है, ठीक है, मेडिसिन पर्पज से यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें फिनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज ट्रू अबाउट एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बारे में क्या सही है, तो प्रोड्यूसर्स आर मोर देन द प्राइमरी कंज्यूमर्स, कि प्रोड्यूसर्स जो हैं यानी उत्पादक जो हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, हाँ ठीक है, उनसे ज़्यादा होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो घास फूस खाते हैं उनसे ज़्यादा क्या है, प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 56 है, 56 में क्या गया है, पूछा गया है कि जो विद रेफरेंस टू यूट्रोफिकेशन, ये बार बार क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। तो इट इज़ ए फिनोमेना ऑफ द न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ द वाटर बॉडी, वाटर बॉडी में क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा है बढ़ जाती है, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसमें क्या होता है, जैसे बढ़ जाती है तो इसमें जो भी एक पर्टिकुलर स्पेसीज होगी प्लांट की, पौधों की, वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगी, ग्रो कर जाएगी, तो इट डिप्लेस डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ द वाटर, इससे क्या होगा, जो BOD होगा यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होगा वो कम हो जाती है। तो बोथ 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। 57 है द इन्वायरमेंट मॉडिफिकेशन, द इन्वायरमेंट मॉडिफाइड बाई ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉल्ड, तो एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट होगा इसका, ठीक है। और 58 का जो है कौन सा नॉट ट्रू है, तो इसमें हो जाएगा जो स्पेसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू अर्थ पोल्स, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि स्पेसीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टू अर्थ पोल, इट्स नॉट ट्रू, यानी कि आप देखेंगे कि जब इक्वेटर से या पोल की तरफ जाएंगे तो डाइवर्सिटी क्या होती है, घटती जाती है, क्योंकि इक्वेटर की साइड क्या होती है कि ज़्यादा सनलाइट पड़ती है, ज़्यादा सोलर रेडिएशन मिलती है, यानी ज़्यादा इंसुलेशन, ज़्यादा बारिश, ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा बारिश, तो ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, ठीक है, ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे इधर, तो पुल की तरफ जाएंगे तो आपका जो है वर्षा की मात्रा कम हो जाती है, बिकॉज इंसुलेशन कम मिलता है, जब वर्षा की मात्रा कम तो कम बारिश, कम पेड़ पौधे, तो कम डाइवर्सिटी होगी, यानी पुल की तरफ घटती जाती है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। 59 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ ए बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, तो जो लाइकेंस होते हैं ये जो है ए गुड इंडिकेटर फॉर द एयर पोल्यूशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है, तो पाश्चराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, ऑफ मिल्क, इसमें क्या होता है कि हाई टेम्परेचर पे मिल्क को गर्म कर देते हैं और एकदम से जो है ठंडा कर देते हैं, इसमें स्लोली ठंडा नहीं करते हैं, यानी कि पाश्चराइजेशन इज ए मेथड इन विच एनी लिक्विड इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर एंड सडनली कूल्स एट लो टेम्परेचर, ठीक है, तो यहाँ टी नहीं, यहाँ मिल्क होना चाहिए, तो नॉट करेक्टली मैच पूछा, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। 61 का क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हर्बिसाइड, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सोडियम क्लोरेट, ठीक है, सोडियम क्लोरेट हर्बिसाइड है। इसमें पूछा गया है कि पैडी फील्ड्स में जो है से कौन सी गैस निकलती है जो है अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करती है, तो कोई भी सड़ी गली जगह होती है तो वहाँ से मार्श गैस यानी मेथेन गैस यानी CHO4 निकलती है, तो ऑप्शन डी सही होगा। एट विच आर द फॉलोइंग प्लेसेस इन द सेक्रेटरिएट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA लोकेटेड, तो गुरुग्राम में है आपका ये सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहाँ पर है, लोकेटेड गुरुग्राम यानी हरियाणा में है। 63 हो गया। 64 कह रहा है कि कौन से टेरिटरी है जो 100% सोलर एनर्जी से क्या है इसमें सोलर एनर्जी से जो है काम चला रहे हैं लोग, तो दमन दीव जो आपके यूनिट टेरिटरी है, ठीक है, तो यह है दीव आपका। 65 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसमें तो इसका पूछा गया है दिलजी पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स STI एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स स्ट्रेटजी रैंकिंग ऑफ इंडियन स्टेट, तो सही बात है, पॉजिटिव रिलेशंस है, और रीजन है द अंडरलाइन डायमेंशन ऑफ STG टारगेट्स आर क्लोजली रिलेटेड टू कहाँ गया आपका रिलेटेड टू एजुकेशन एंड हेल्थ रिस्पेक्ट,
इसका दोनों होगा और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होगा, ऑप्शन ए सही होगा। अब देखिए छाटर का है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इंक्लूड्स हेल्थ एजुकेशन लिविंग स्टैंडर्ड, इसका तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि ये दिया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, कि ये इसमें कौन सा सही होगा। तो आप देखेंगे कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 हो गया और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट हो गया, ये आपका हो गया 2002, और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और प्रोजेक्ट हाथी 1992। तो आप देखेंगे 2002 सबसे लास्ट में होगा, यानी बायोडाइवर्सिटी जो है सबसे लास्ट में, लास्ट में देखेंगे सेकंड लास्ट में केवल बी में मिल रहा है, इसके आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 68 पूछा गया है कि जब डेथ हो जाती है तो उसको जो है रजिस्ट्रेशन कराने का जो है जो कितने दिन के अंदर कराना होता है, तो इसका आंसर 21 डेज ही प्रॉपर होगा इसका आंसर, ठीक है। 69 है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 डज नॉट इंक्लूड, तो इसमें HIV टेस्ट इंक्लूड नहीं है, बाकी सब है। तो पूछा गया है कि ये जो कुजनेट्स कर्व है इन्वायरमेंट के लिए, ये इन्वर्टेड यू शेप का होता है, यानी ई परमानेंस एक्स शेप का होता है, ठीक है। 71 दिया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर वेल बींग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ये बिल्कुल सही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, इसका बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए होगा। 72 का है पूछा गया है कि कौन से जो है डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जो है रिकॉग्नाइज करती है, यानी गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड में, यानी कि कौन सी ऐसी स्कीम भारत सरकार की है जो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, तो इसका आंसर होगा पहल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विथ इट विल कवर अप टू 75% रूरल एंड 50% अर्बन पॉपुलेशन, कह रहा है जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है इसके बारे में क्या सही है। तो सिंपल सी बात है, सही है, ये 75% जो है रूरल एरिया को कवर करता है और 50% अर्बन को। दूसरा ऑप्शन दिया है, स्टेटमेंट दिया हुआ है स्पेशल फोकस ऑन न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू वुमेन एंड चिल्ड्रेन, ये भी सही है। तो एल्डेस्ट वुमेन अबव 18 ईयर्स एज विल बी द हेड ऑफ हाउस होल्ड्स, बिल्कुल ये भी सही है, इसका वन फर्स्ट सेकंड थर्ड सही होगा, ठीक है। अगला देखते हैं 74 का, आपका दिया गया है कि विद रेफरेंस टू द मेजर ऑफ टेनेंसी रिफॉर्म इन इंडिया विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसका 1, 2, 3 सी सही होगा, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ रेंट सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ठीक है, कन्फाइनमेंट ऑफ ओनरशिप ऑन टेन, ठीक है, ये सब जो है 1, 2, 3 सही होगा इसका। 75 का देखिए, विथ रेफरेंस टू द फंक्शंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये तीनों चारों सही होगा इसका। 76 का देखते हैं, ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन था, इसलिए कठिन था कि स्वेज कैनाल रीजन में जो है कौन कौन सी लेक्स जो है पाई जाती हैं उसके रास्ते में, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में पूछा गया है, ठीक है। तो ये लेक मंचाला है, लेक तिमाश, तिमशा, ग्रेट बिटर, ठीक है, ग्रेट बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक, ठीक है, तो ये सब का क्रम है, ये क्रम है नॉर्थ टू साउथ। 77 देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राफिक प्लेटू जो है, प्लेटू जो है नॉर्थ अटलांटिक रिज का भाग है, ठीक है, किसका भाग है, नॉर्थ अटलांटिक रिज का भाग है, ठीक है। 78 देख लीजिए क्या है कि डिफरेंट नेम ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन दिए हुए हैं, ठीक है, और एक कंट्री दिया गया है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि आप जानते हैं जो हरिकेन्स है, ठीक है, हरिकेन्स, हाँ डी हरिकेन्स आप देखेंगे एक ही से USA से मिल जाएगा आपको, ठीक है, विली विली ऑस्ट्रेलिया आप सब लोग जानते ही हैं, ठीक है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट लोकेटेड ऑन द ट्रांस साइबेरियन रेल रूट में, सबसे बड़ा रेल रूट है, तो इसमें सोची जो है इसके रूट पे नहीं आता है, ठीक है, विंड कंट्री दिया हुआ है, ठीक है, तो मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है, ठीक है। 81 पूछा नॉट करेक्टली मैच, तो मिस्टर ऑस्ट्रेलिया में नहीं बनती, ऑप्शन डी सही है। इसमें पूछा गया है कि बताना है आपको कोल्ड फील्ड्स और लोक दिया है और ये जो है वैली दी है, ठीक है, रिवर वैली दी हुई हैं सब, ठीक है, तो आप देखेंगे जो तलचर है, ठीक है, तलचर बोलते हैं हिंदी में, तलचर कहते हैं, तो ये महानदी वैली में बहती है, ठीक है, महानदी तलचर यानी उड़ीसा में है, महानदी
जो महानदी की जो वैली है, नहीं जो घाटी है उसमें बहती है, तो ए का चौथा, ठीक है। और सिंगरौली जो है आपका सोन वैली, ठीक है, ये सोनभद्र में पाया जाता है, तो ये का सी का दूसरा, तो इस हिसाब से आपका ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया है कि कौन सा नॉट लोकेटेड इन इंडिया है, तो गुरु जो मानधाता जो पीक्स है, ये जो है आपकी क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। द विंटर रेन्स आर कॉस्ट बाई वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन ऑफ इंडिया ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। जब आप पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते जाएंगे तो जो वेस्टर्ली से बारिश होती है उसकी मात्रा जो है घटती जाएगी। 83 का भी ऑप्शन। 84 क्वेश्चन देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स द अपर कोर्स कंटेन्स फ्रेश वाटर बट अ सैलाइन वाटर फ्लोइंग एट द लोअर पार्ट, तो इसका होगा लूनी रिवर। लूनी रिवर जो है आके कच्छ केरन में जो है विलीन हो जाती है, ठीक है, इसका ऑप्शन बी होगा। मुरीबन डेल्टा इज अ सब डिवीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा, तो बंगाल डेल्टा इज ऑल्सो नोन एज मुरीबन डेल्टा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए। दिया हुआ है कि सुगर केन एंड सुगर प्रोडक्शन इन यूपी इज मोर देन द महाराष्ट्र बट प्रोडक्टिविटी इज लेस, सही बात है, यूपी जो है नंबर वन है और शुगर प्रोडक्शन में, बट प्रोडक्टिविटी के देखा जाए तो महाराष्ट्र से कम है। रीज़न क्या है? मोस्ट ऑफ द शुगर फैक्ट्रीज इन द महाराष्ट्र आर इन कॉरपोरेट सेक्टर, बोथ ए आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि कॉरपोरेट सेक्टर में की कंपनियां ज़्यादा हैं जो है, शुगर फैक्ट्रीज ज़्यादा है महाराष्ट्र की, इसकी वजह से जो है शुगर केन के प्रोडक्शन पे मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि शुगर केन तो गन्ना होता है, ठीक है, यहाँ पर जो है उसके प्रोडक्शन और इसकी कॉर्पोरेट फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, दोनों सही है, बट आर जो है इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 87 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है, तो जरीब जो है एक टाइप का टैक्स नहीं है, ठीक है, बाकी सब मैच्ड है, तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला देखिए 88 का, देखिए क्या है, ठीक है। 88 का आपका जो हो जाएगा दिया हुआ है कि दुला दौद, ठीक है, सॉरी मुला दौड़, ठीक है, एंड दामोदर कावी, सोमनाथ, आमिर खुसरो, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक। 89 देखिए कि हु एमंग द फॉलोइंग किंग्स एंड हैड गिवेन पेट्रोनेस टू तानसेन बिफोर अकबर, इन अकबर से पहले जो है तानसेन को कौन जो है संरक्षण दिया था, तो इसका है राजा रामचंद्र सिंह ऑफ भाटा, भाटा के राजा रामचंद्र सिंह। 90 क्वेश्चन देखिए। यहाँ दिया है रूलिंग डायनेस्टी दी है, इसकी कैपिटल दी है, ठीक है, तो आप देखेंगे जो पल्लवा है, पल्लवा की जो कैपिटल है ये आपकी है कांची, ठीक है, तो इससे आप देखेंगे कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 91 देखिए, 91 का ऑप्शन है बी, ठीक है, करेक्ट आंसर यही है, 91 का बी होगा, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको भी जो है करना था, नहीं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, हाँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही है। 92 का देखिए, का लिखा हुआ है कि मनसबदारी सिस्टम वाज द ऑफिशियल नोबेलिटी ऑफ द स्टेट स्टार्टेड बाय अकबर, ये सही है, ठीक है, तो लिखा है मनसबदारी वाज हेरिडेटरी, ठीक, पितृसत्तात्मक थी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, तो ओनली वन सही है, ठीक। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ बेंगलोर, ट्रीटी ऑफ सालाबाई, ट्रीटी ऑफ मद्रास, इसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा सी ऑप्शन होगा इसका। 94 देखिए, पूना पैक्ट दिया है, गांधी रिवर एग्रीमेंट दिया है, एक्टिव मिशन दिया है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट दिया है, तो इसका क्रॉनिकल ऑर्डर हो जाएगा सी। 95 देख लीजिए दिया है, इसका बोथ 1 और 2 ऑप्शन होगा, लॉर्ड कर्जन डिसाइडेड टू अरेंज द प्रोविंशियल बाउंड्रीज, सही है, अ न्यू प्रोविंस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड कॉल्ड ईस्ट बंगाल एंड आसाम, ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था 1905 में, बोथ 1 और 2। 96 देखिए, हु प्रिपेयर्ड सी आर फार्मूला टू रिमूव द पॉलिटिकल डेड लॉक बिटवीन द मुस्लिम लीग एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इसका हो जाएगा राजगोपालचारी, ठीक है। 97 द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया वॉज रिटन बाई बिपिन चंद्रा, ठीक। इन विच आर द फॉलोइंग द प्रोविजन्स फॉर द प्रोटेक्शन एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो वनली इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी गिवेन है, वनली इन द फंडामेंटल ड्यूटी सही है, बोथ ए आर बी है, ठीक है।
99 देखिए, विथ रेफरेंस टू पंचायत सिस्टम, ठीक है, 50% सीट्स विल बी रिजर्व फॉर द वुमेन ऑफ एस सी एस टी कैटेगरीज, नहीं क्योंकि 1/3 है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है, ग्राम सभा इज ए बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पर्सन्स लिविंग इन विलेज, नहीं, ग्राम सभा में जो रहते हैं सभी लोग जो है विलेज के निवासी नहीं होते हैं, जो वोटर होते हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में होता है वही होते हैं, तो इसलिए देयर विल बी द पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल, हाँ मध्यवर्ती भाग में जो है एक पंचायत होगी, तो इसका केवल 3 सही होगा, ठीक है। सवा देख लीजिए, ठीक है, क्या लिया है कि मजदूर किसान शक्ति शक्ति, ठीक है, संगदान, ठीक है, अ सोशल मूवमेंट हैज बीन एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया आरटीआई एक्ट, 101 देखिए, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग स्कीम फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड्स, तो इसका ऑप्शन होगा सी, महिला किसान, ठीक है, सशक्तिकरण परियोजना, ठीक, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा, डज नॉट इंक्लूड, इसको नहीं इंक्लूड करता, बाकी तीनों को इंक्लूड करता है, तो सी हो जाएगा। 100 देखिए, हु सेड इंडिया इज क्वासी फेडरल स्टेट, तो केसी वेयर ने कहा था, ठीक है। 103 का देख लीजिए कि महाराजा हरि सिंह असाइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, सबसे पहले हुआ था, गुड। और सेकेंड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इन्फोर्स, उसके बाद ये हुआ था एक्सेशन टू इंडिया, ठीक है, रेटिफाइड बाय द सोवरेन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है, देन लास्ट में हुआ था न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर जो है केम इन टू फोर्स, ठीक, तो चौथा सबसे लास्ट में होगा। 104 देखिए, दिया क्या गया है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज इन एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल ऑफ द सेंट्रल लॉस, बिल्कुल ये गलत है, ठीक है, और द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है, तो ए फॉल्स आर ट्रू। नेशनल पंचायत जानते हैं राज डे बनाया जाता है 24 अप्रैल को, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वॉज इंसर्टेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू प्रोवाइड द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट, तो आर्टिकल 43A, ठीक है, आर्टिकल 43A। व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ नॉट इन्फोर्सिएबल, ठीक है, जो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रीएम्बल जो प्रस्तावना है वो क्या है, नॉट इन्फोर्सिएबल है, ठीक है। 108 देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द हेडिंग ऑफ द आर्टिकल 162 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इसका है जो करेक्ट अबाउट है आर्टिकल 162 के बारे में, क्योंकि आर्टिकल 162 रिलेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो इसमें है एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, ठीक है। 109 देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज आल्सो नोन एज खजुराहो ऑफ विदर्भा, तो है मार्कंडेश्वर, ठीक है, इसका ऑप्शन सही होगा ए। 110 देख लीजिए, इधर टाइफून हरिकेन सभी जो हाल में आए हैं 2019 में, और कौन सा अफेक्टेड कंट्रीज हैं, ठीक है, तो ठीक, तो इसका आप देख लीजिए, ठीक, डोरियन आया था, डोरियन यानी बहमास, ठीक है, इसका 1423 यानी बी ऑप्शन सही है। 111 देख लीजिए, इन अक्टूबर 2019 इंडिया अनाउंस टू एस्टेब्लिश ए हाई कमीशन इन विच अफ्रीकन कंट्री, तो सियेरा लियोन में, ठीक है, हाई कमीशन इन विच ऑफ द अफ्रीकन कंट्री में, सियेरा लियोन में बनाएगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, स्टेट इज एट द टॉप इन द इंडियन इनोवेशन इंडेक्स में, कर्नाटक नंबर 1 पे है इनोवेशन में, ठीक है। अगला 113 देख लीजिए, द अथर ऑफ द बुकर प्राइज विनर जानते हैं एवरिस्टो, ठीक है, ठीक, पहला जो है, ठीक, गर्ल, हाँ नहीं, कहाँ गया, द नेचर ऑफ द बुकर, द अथर ऑफ द बुकर प्राइज विनर 2019, ठीक है, गर्ल वुमेन अदर, ठीक है, तो यह है एवरिस्टो, ठीक है। 114 देख लीजिए, होम डिड पीवी सिंधु बीट टू विन, पीवी सिंधु ने किसको हराया था, गोल्ड मेडल जीता था वुमेन सिंगल्स बैडमिंटन चैंपियनशिप में, तो नोजोमी ओकुहारा को हराया था इसने। विच हाइड्रो पावर प्लांट इन भूटान वॉच इनोवेटेड रिसेंटली बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो ये है आपका मगदेशु पावर प्लांट, ठीक है, नेपाल में, ठीक, सॉरी भूटान में। 116 देख लीजिए कि 100% ऑर्गेनिक स्टेट तो जानते हैं सिक्किम इंडिया है। 117 देख लीजिए, ठीक है, वेनुशिल्पा
वेणुशिल्प या वेणुशिल्प बाई चित्राचार्य उपेंद्रा, ठीक है, मराठी रिले महाराथी, ठीक है, महाराथी रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स आर्ट्स, तो ये बम्बू आर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। अगला देख लीजिए, ये शॉर्टपुट हैं आपकी, दीपा मलिक हैं, ये देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 जो है हेल्ड हुई थी कहाँ पर, न्यूयॉर्क वॉज हेल्ड इन न्यूयॉर्क। अगला 120 देख लीजिए क्या है इसका, यूज ऑफ पॉलिस्ट्राइस से जो है ह्यूमन डाइट काजेज द फॉलोइंग डिजीज़ क्या हो जाती है, बेरी बेरी हो जाएगी। विटामिन बी टू से कोई रिलेशन नहीं है कोल्ड लिवर ऑयल का, नॉट करेक्टली मैंने पूछा इसलिए बी हो जाएगा। और आप अगला देख लीजिए, ठीक है, कि मोस्ट ऑफ द विटामिन्स आर नॉट सिंथेसाइज ह्यूमन बॉडी, ये सही है, सारे ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होती हैं। ह्यूमन ऑर्गन्स सिंथेसाइज ओनली इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये आर गलत है, ये फॉल्स है, ठीक है। अगला देख लीजिए, इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं कुछ, हाँ इसको मैचिंग करानी है, ठीक है, केवलार है, टेक्सोलॉजिंग फॉस्फेस है, तो नाइट्रोसेलुलोज है, तो ठीक है, तो आपका हो जाएगा ए जो है केवलार जो है, ए आपका सिंथेटिक फाइबर हो जाएगा ए का दूसरा, इस हिसाब से आप देखेंगे तो बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला 124 देख लीजिए, सिंपल सी बात है, कपूर का उड़ना, ठीक है, तो ट्राई, ठीक है, डेस्ट आफ्टर द समटाइम्स वेन एक्सपोज टू द एयर लाइक कम्फर, ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है सीधे सॉलिड से गैस, दैट इज सब्लिमेशन एंड उत्पादन, सब्लिमेशन हो जाएगा। अगला देख लीजिए क्या है, कि जो फिनोमेना होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो फाइबर ऑप्टिक्स वाली, तो ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। 126 देख लीजिए क्वेश्चन है, बायो कैटालिस्ट, ठीक है, कह रहा है कि एंजाइम्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो एंजाइम्स बायो कैटालिस्ट होते हैं, बिल्कुल सही है, दे परफॉर्म द रिएक्शन ऑन द साइड वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड, नहीं वो कहीं भी कर सकते हैं, तो वो जो अपना एक्शन जो है केवल जहाँ प्रोड्यूस होते हैं वहीं नहीं करते हैं, इसके इसलिए केवल जो है वन ही सही होगा। मदर मिल्क प्रोड्यूस प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट कम्प्लीट डाइट टू द न्यू बॉर्न बेबी को, जो है जो मदर मिल्क होता है वो जो है सारे डाइट कम्प्लीट करता है, बट इट लैक्स द फॉलोइंग, इसमें किस चीज़ की कमी हो जाती है, तो आयरन, इसलिए आयरन की गोली दी जाती है, ठीक, 128 आयरन गोली माँ को दी जाती है, ठीक है, 128। आपका आप देख लीजिए कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखाना है कि ब्लैक गोल्ड है, फ्लोरिन है, ठीक है, फ्लोरिन है और ग्रेफीन है, केवलार है, ठीक है, तो आप देखेंगे सबसे पहले केवलार हुआ है, ठीक, ब्लैक गोल्ड सबसे लास्ट में, ऑप्शन बी सही होगा इसका। अब देखिए है बिब्लियोमेट्री, बिब्लियोमेट्री होता है फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी नेटवर्क होता है, क्योंकि हम जब कोई चीज़ प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई फाइल बनाते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, तो लास्ट में हम बिब्लियोग्राफी लेते हैं, यानी कि द कंटेंट, ऑल द कंटेंट टेकन फ्रॉम विच ऑफ द सोर्सेज, ठीक है, तो लास्ट में लिखते हैं दैट इज बिब्लियोग्राफी, तो वहाँ से आप लिंक करके इसको मार सकते थे, फंक्शंस ऑफ लाइब्रेरी नेटवर्क, यानी कंसिडर कर सकते थे इस आंसर को, ठीक है, तो 120 का ए ही होगा, ठीक है। 130 का देख लीजिए, ए 129 था, 130 का देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द एल्बिडो, तो रिफ्लेक्टिंग पावर होती है, एल्बिडो क्या होती है, संदेश से जो है, संदेश जब आती है अर्थ सरफेस जब उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वहाँ से जो रिफ्लेक्टेड बैक होती है, ठीक है, उसको एल्बिडो कहते हैं, यानी रिफ्लेक्टिंग पावर होती है एल्बिडो किसी भी सरफेस के, किसी भी मटेरियल की, ठीक है, तो जो वापस जाती है दैट इज़ एल्बिडो, ठीक। 131 देख लीजिए, विद रेफरेंस टू द डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी डी सी यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, तो इट इज़ अ ग्लोबल रिसर्च प्रोग्राम टू आउटरीच द रोल ऑफ कार्बन ऑन अर्थ, सही है, ठीक है, ये भी है और दूसरा भी है, बोथ 1 2 होगा इसका, ठीक है, कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है, तो ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल जो है सेव वाटर से कोई रिलेशन इसका है, ठीक है। 133 देख लीजिए, एसर्शन क्या लिखा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल कंट्रीज, बिल्कुल सही है, बटरफ्लाइज कैन नॉट टॉलरेट लो टेम्परेचर, बिल्कुल सही, इसलिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन आ ऑफ ए भी है, ऑप्शन ए होगा। 134 का ऑप्शन बी है, दिया गया है कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो ड्यूरिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू अनदर ट्रॉपिकल लेवल में जाती है, ठीक है, तो डिक्रीज होती है एनर्जी है, ठीक है। 135 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड भी है। 136 देख लीजिए, असम इज इसेंशियली कास्ट बाय द एटमोस्फेरिक प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर होगा, ठीक है, तो स्मोक, स्मोक को देखेंगे, स्मोक में क्या होता है मेनली ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर होता है, ठीक है। द ग्लोबल 500 तो जानते हैं इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड है, ठीक है,
ब्लैक होल जो कोलैप्स स्टार होते हैं उसको ब्लैक होल कंसिडर किया जाता है, ठीक है। द मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया इन इंडिया इज वेस्टर्न घाट्स, जो है मोस्ट ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है। 140 में देख लीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया, नीति आयोग है, ठीक है। इसका आंसर, इसका आंसर कुछ मिला नहीं है, नो आंसर इसका, ठीक है। जो आपका है नायक कमेटी है, अभी हुसैन कमेटी, एस एस कोहली कमेटी, ठीक, कार्बी कमेटी, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। 141 का नेक्स्ट देखिए, 142 देखिए कि नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस जो है ये आपका हुआ था 1976 में, ठीक है। और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है आपका 1975 में है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, क्वेश्चन देखिए 143, द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉलिंग शार्पली इन द रिसेंट ईयर्स ऑफ द फीमेल्स इन इंडिया, ठीक है, बिल्कुल सही है। बिकॉज जो है जो द डिक्लाइन इन द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज ड्यू टू द इम्प्रूव्ड फैमिली इनकम एंड द इंक्रीजिंग एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन बढ़ा है और इनकम बढ़ी है, तो जो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है फीमेल्स का वो जो है घट रहा है, तो इसका ऑप्शन ए है, ठीक है। 144 देख लीजिए, डिपेंडेंसी रेशियो इन इंडिया टू डिक्लाइनिंग बिकॉज, जानते हैं क्यों डिक्लाइन कर रही है डिपेंडेंसी रेशियो, क्योंकि जो पॉपुलेशन है 15 से 59 ईयर की है वो क्या कर रही है, वो ज़्यादा है, ठीक है, रिलेटिवली हाई है, तो डिपेंडेंसी रेशियो घट रही है, ठीक है। डिपेंडेंसी रेशियो कब होती, जब ज़्यादा 60 या 60 से ज़्यादा अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होती, ठीक है, हाई होती, तो उसको डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ जाती, तो इसलिए ऑप्शन सी होगा इसका। 145 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी विल टारगेट वाटर अवेलेबिलिटी फॉर ऑल एंड परमानेंट मैनेजमेंट अप टू 2030 इन इंडिया, एसडीजी 6 में है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 में इस बात को मेंशन किया गया है। हु हैज प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट टू ग्रोथ, क्लब ऑफ रोम, ठीक है। अगला देखिए, द नंबर ऑफ पर्सन्स हु रिमेंड अनएम्प्लॉयड फॉर ए मेजर पार्ट ऑफ ईयर इज कॉल्ड यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ठीक है। कह रहे हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो साल के अधिकांश समय भाग में क्या करते हैं, अनएम्प्लॉयड रहते हैं, रोजगार बेरोजगार रहते हैं, इनको रोजगार नहीं मिलता है, उसको बोलते हैं यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। 148 क्या है देखिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR विच ऑफ द स्टेट इज करेक्ट, ठीक है। इसके बारे में क्या करेक्ट है कि कंपनीज एक्ट 2014 में आई थी, इंट्रोड्यूसेस मैंडेटरी CSR, ये भी गलत है। कंपनीज कवर्ड अंडर दिस विल हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 1% नहीं 1% नहीं है, ठीक है, नाइदर 1-2 होगा इसका, ठीक है। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स डेवलप्ड बाय मोरिस डी मोरिस, ठीक है। अब इसका जो है ग्लोबल 100 इंडेक्स में समा था 2017 का पूछ लिया है, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा 150 क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।